हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फोट्यूब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बिना मोबाइल नंबर का और बिना ईमेल आईडी का फेसबुक का फेक अकाउंट बना सकते हैं, और फिर इस फेक अकाउंट से जो है आपको जो मर्जी हो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका पर्सनल डिटेल नहीं जाएगा, आप किसी भी एप्लीकेशन में एक्सेस देने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए आप फेसबुक का इस फेक अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये एक ऐसा तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर जो है आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक भी नहीं होगा आप कोई भी काम करते हैं। तो फिर अगर आप भी जानना चाहते हैं बिना मोबाइल नंबर का और बिना ईमेल आईडी का फेसबुक का फेक अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं ना, तो फिर आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से फेसबुक का फेक अकाउंट बनाना है तो फिर इसके लिए आपको सिंपली फेसबुक का लाइट वर्जन को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट वाले बटन को एक मरतबा क्लिक कर देना है। उसका जो है आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन को दबा देना है। तो फिर यहाँ पर आने के बाद जो है आपको स्किप वाले बटन को दबा देना है, और फिर यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर आपका नाम पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपना फर्स्ट नाम डाल सकते हैं, तो फिर यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ भी, और यहाँ पर मैंने डाल दिया सलमान, और यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है। तो फिर यहाँ पे जो है आप अपना लास्ट नेम डाल सकते हैं। लास्ट नाम डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन को दबा देना है, और फिर यहाँ पर आने के बाद कुछ परमिशन आपसे पूछा जाएगा, आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद जो है यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, बेसिकली आपको नीचे के साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साइन अप विथ ईमेल, आपको ये वाला बटन को क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आने के बाद जो है आपका ईमेल आईडी भी आ जाएगा, आपको सिंपली इसको जो है हटा देना है, डिलीट कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, सिंपली वहाँ से जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप ओपन कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस प्रकार से स्लाइड कर लेना है, स्लाइड कर लेना है, स्लाइड कर लेना है, और यहाँ पर जो है क्लिक करके आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद जो है इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन पे चले जाना है, और यहाँ पे जाकर के आपको ये वाला ईमेल आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन को दबा देना है, और फिर यहाँ पर जाने के बाद जो है आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो सिर्फ लास्ट का जो अक्षर है आप उसको चेंज कर सकते हैं, शुरू का नहीं भी चेंज कीजिएगा तो चलेगा। उसका जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन को दबा देना है। नेक्स्ट पे आने के बाद जो है आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसका जो है आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और पासवर्ड बनाने के बाद जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली साइन अप वाले बटन को दबा देना है। तो फिर इतना करने के बाद जो है यहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं और आपका अकाउंट कैसे बनेगा। तो फिर इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा देर समय ले सकता है, तो आपको थोड़ा समय यहाँ पे वेट कर लेना है, और यहाँ पे जो है आपको ओके वाला बटन को दबा देना है। तो फिर यहाँ पे जैसे आप ओके वाला बटन को दबा देते हैं, आपके इस ईमेल आईडी पे जो है 5 अंक का कोड जाएगा। अब कोड आपको कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था यहाँ पे टेम्प मेल नाम का, आपको इस एप्लीकेशन में चले जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे इसको कट कर देना है, और जो है आपको यहाँ पे इनबॉक्स वाले बटन को क्लिक कर देना है। इनबॉक्स पे आने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 5 अंक का कोड आ गया 31465। यहाँ पे हम डाल देते हैं 31465। कोड डालने के बाद जो है आपको ओके वाला बटन को दबा देना है, और फिर जैसे आप यहाँ पे ओके वाला बटन को दबा देते हैं, फाइनली जो है आपका यहाँ पे फेसबुक अकाउंट वेरीफाइड भी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फेसबुक का अकाउंट बन गया। उसका जो है यहाँ पे आप एड फोटो वाला बटन पे क्लिक करके अपना फोटो जरूर से लगा लीजिएगा फ्रेंड। बेसिकली फोटो लगाने से जो है आपका फेसबुक का सिक्योरिटी बढ़ जाता है, और आपका अकाउंट जो है फेक होने के बाद भी यहाँ पे जो है आपका रियल माना जाएगा, और आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगा फेसबुक। तो फिर इस प्रकार से आप अपना खुद का फोटो नहीं लगाइएगा, लेकिन किसी भी बंदे का यहाँ पे फोटो लगा दीजिएगा, जरूर से लगा दीजिएगा, ध्यान से लगा दीजिएगा। उसका जो है आपको यहाँ पे स्किप वाले बटन को क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली हमारा फेसबुक का अकाउंट ओपन हो गया एक फेक ईमेल आईडी से और फेक नंबर से। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन अमेजिंग वीडियो में।